का बहुत सारे कठिनाइयां पार होने पड़ा, ये भी हम पार हो जाएंगे। हम देखेंगे उसको राय, उसके बाद रिएक्शन देंगे। हमारा जो करना है हम करते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी के अगेंस्ट में ज्यादा बोले थे, ये पॉलिटिकल नहीं, नहीं हम भारत निर्वाचन आयोग ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया। चुनाव आयोग के इस फैसले के बाद टीएमसी कानून विकल्प तलाश रही है। पार्टी के सूत्रों ने बताया कि टीएमसी चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती दे सकती है। समाचार एजेंसी ANI ने यह जानकारी दी। चुनाव आयोग के मुताबिक टीएमसी के अलावा एनसीपी और सीपीआई का भी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म हो गया है। आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा में टीएमसी का राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा जारी रहेगा। वहीं मेघालय में वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा मिला है। आयोग के मुताबिक आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बरकरार रहेगा। आपको 4 राज्यों दिल्ली, गोवा, पंजाब और गुजरात में चुनावी प्रदर्शन के आधार पर यह दर्जा दिया गया था। मामले पर टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, टीएमसी को कठिनाइयों से पार होना पड़ा है, इससे भी हम पार हो जाएंगे। हमारा जो करना है हम करते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहते, बाद में बोलेंगे। इसका बहुत सारे कठिनाइयां पार होने पड़ा, ये भी हम पार हो जाएंगे। आप लोग तो हर स्टेट में गए थे, हर स्टेट में चुनाव भी लड़ा, जो क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं, तो क्या ये नहीं उनका हिसाब से ये हुआ? हम देखेंगे उसको राय, उसके बाद रिएक्शन देंगे। ये सब छोड़िए ना, हमारा जो करना है हम करते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मोदी के अगेंस्ट में ज्यादा बोले थे, ये पॉलिटिकल नहीं, नहीं हम अभी इस पर ज्यादा बोलने नहीं चाहते, बाद में बोलेंगे, ठीक है। चुनाव आयोग के अनुसार अब राष्ट्रीय पार्टियों के दर्जे वाली सूची में बीजेपी, कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी और आप शामिल हैं। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने खुशी भी जताई है, साथ ही देशवासियों को धन्यवाद दिया। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी को नागालैंड में और टिपरा मोथा पार्टी को त्रिपुरा में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता जारी रहेगी। आयोग ने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों में प्रदर्शन के आधार पर NCP से राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस लिया गया। चुनाव आयोग की ओर से तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समिति को आंध्र प्रदेश में राज्य पार्टी के रूप में अमान्य किया गया है। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोक दल से राज्य पार्टी का दर्जा वापस लिया गया। पश्चिम बंगाल में रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को राज्य पार्टी के रूप में अमान्य घोषित किया गया। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।